कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एसएसपी बबलू कुमार के निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। थाना न्यू आगरा कमला नगर निवासी व्यापारी दवा लेकर लौट रहे थे, पुलिस कर्मियों ने घर के दरवाजे पर डंडों से जमकर पीटा। पुलिस की गुंडागर्दी का कृत्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ से मैं अपने घर से स्कूटर से बिना हेलमेट के माता जी की दवाई लेने के लिए राम चौक पे गया। राम चौक पे दूर से ही मैंने देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है। मैं वहाँ से बैक हो गया 25 कदम पहले से ही। मैंने लाओ घर से हेलमेट ले लेता हूँ और फिर ले आता हूँ। इतने में पीछे से दो पुलिस वाले आए मोटरसाइकिल से मेरे पीछे और मेरे गेट पे ही मुझे धनाधन धनाधन मारते चले गए और मैं गिर गया। कौन पुलिसकर्मी थे आपने? नहीं, पुलिस राजेश और दिनेश नाम है उनका, कमला नगर चौकी के ही है, राकेश और दिनेश। नाम क्या आपका? मेरा राकेश गुप्ता। कमला नगर सी ब्लॉक निवासी गुप्ता जी की पिटाई की सूचना पर जनप्रतिनिधि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महापौर नवीन जैन मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी का हाल चाल लिया। पुलिस पर लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर खुली गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। दिनों से झेल रहे थे, केवल लॉकडाउन के कारण 8800 रुपए का चालान स्कूटर थाने में बंद है और बात करते हैं यहाँ पे आके सबरी पहलवानी दिखाते हैं, खादी वर्दी पहनकर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और यहाँ गुंडागर्दी पुलिस कर रही है। हम को खुली चुनौती है, हम करेंगे मुकाबला इनका और जैसा चाहे वैसा करें। हमने इंदिरा गांधी का आपातकाल भी देखा है, उसका भी मुकाबला किया है। ये हमको दबा नहीं पाएंगे खादी वर्दी में और जिस प्रकार की गुंडागर्दी पुलिस कर रही है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर। आज की जो घटना रही है लोगों में काफी आक्रोश है, लेकर आक्रोश यहाँ पर पल पल का आक्रोश है। चौराहे पर 7 बजे से 9 बजे तक लोग निकलते हैं। प्रशासन की ओर से पूरे आगरे में ये खुली छूट है कि वो दवाई लेने जाएं, वो लोग दूध लेने जाएं। ऐसे 85 संस्मरण मेरे सामने हैं और मैंने इंस्पेक्टर साहब जो खड़े हुए हैं इनको पर्सनली मैंने कहा, चौकी इंचार्ज को पर्सनली मैंने समझाया कि मैंने कहा देखो कमला नगर के अंदर लठ का प्रयोग मत करो, लठ का प्रयोग मत करो। लठ ऐसा बन गया है इनका कि लोगों को दबाव दे देंगे जी, कोई मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। मैंने पर्सनली कहा इंस्पेक्टर साहब को, चौकी इंचार्ज को मैंने मिला, पर्सनली कहा मैंने कि भाई लठ का प्रयोग मत करो। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो समझ में आती है। एक हमारे सिंगल साहब दवाई लेने के लिए आए, 70 रुपए की दवाई, 1000 रुपए का चालान, बुजुर्ग आदमी, क्या व्यवहार है भाई? क्या समझने हैं कि यहाँ कोई चोर चक्के बैठे हुए हैं? वो कमला नगर है जिसने लाखों मजदूरों को भोजन करवाया है, इसी पुलिस के द्वारा करवाया है और आज ये कमला नगर के लोगों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए लेट हो गया। देखता हूँ लठ कितना चलता है यहाँ पर, और लठ चलेगा सीधा मुकाबला होगा, कोई कमजोरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारे गुप्ता जी है, सी ब्लॉक में रहते हैं। सुबह दवाई लेने के लिए जो गए थे अपने स्कूटर से, तो पीछे से दो कांस्टेबल थे इनके घर के पास आए, जो वीडियो मैंने देखा, और उसमें मारना डंडों से मारना ये काम किया है, काफी चोट आई है उनको। मेरे पास फोन आया था कौशल सिंगल जी का, मैं तत्काली यहाँ, चूंकि घर के नजदीक है मेरा घर भी यहाँ पर, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँचा और पहुँच के मैंने देखा तो बहुत ही स्थिति को कंट्रोल किया। मैंने चौकी इंचार्ज भी यहाँ मौजूद थे और जो बहुत ही गलत काम हुआ है और पुलिस की जो गलती हुई है वो अक्षम है और सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित लोगों को हम जरूर उचित स्थान का अधिकारी को, एसएसपी को, एसपी सिटी को जरूर अवगत कराएंगे कि इस दिशा में जो व्यापारियों के साथ बदतमीजी हुई है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी करना पड़े हम सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इससे बदनामी होती है। आम व्यापारी है, कोई अपराधी नहीं थे, व्यापारी है, समाज में उनका अपना स्थान है और इस तरह के 8800 रुपए का चालान, एक स्कूटर का चालान 8800 रुपए का चालान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उचित स्थान पर जाकर जो आवश्यक कार्रवाई हम लोगों से जनप्रतिनिधि होने के नाते हम करें, जो होगा वो हम करें। पुलिस के व्यवहार के खिलाफ जन प्रतिनिधियों के जुटने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस कर्मियों की गलती को देखते हुए पुलिस चुप्पी साधती दिखाई दी। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी रोहन प्रमोद ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। देखिए एक वीडियो सामने आया है, उसी के क्रम में यहाँ पे आए हैं हम लोग
जो भी घटना है उसका विधिवत उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद उसमें कुछ तय किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पुलिस खाकी वर्दी और कानून का दुरुपयोग कर रही है। न जाने किस बात की नाराजगी होती है कि पुलिस असहाय गरीब और पीड़ित पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर खाकी पर दाग लगाने का काम करती है, जबकि लॉकडाउन में पुलिस को मानवता का परिचय देकर लोगों की मदद करनी चाहिए। 7 इंडिया न्यूज के लिए मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट।